नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर से किस तरह से रीडिंग लिया जाता है। रीडिंग लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैरल में ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है या थिम्बल में ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है, इसको किस तरह से रीड करना होता है। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि जो बैरल होता है, बैरल का ग्रेजुएशन काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि जो डेटम लाइन है इसके ऊपर भी ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है और नीचे भी ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है, तो इसको किस तरह से रीड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जीरो है, ये हमारा 1 mm हो जाएगा, और जीरो और 1 mm के बीच में जो सब डिविजन होगा ये हमारा नीचे होगा। आप जो हमारा ग्रेजुएशन होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ पर जीरो होता है, फिर 0.5 होता है, फिर 1 mm होता है, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर जीरो से 1 के बीच का, यानी हर एक एक mm के बीच का जो सब डिविजन होगा वो नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा जीरो है ऊपर में, नीचे 0.5 है, ऊपर हमारा 1 mm है, नीचे 1.5 है, फिर ऊपर जाएंगे 2 mm है। तो जब हमें रीडिंग लेना होगा तो हम लोग किस तरह से रीडिंग लेंगे, सपोज हमें इस डिवीजन तक का रीडिंग लेना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, 11, 12, 13। तो ऊपर का जो ग्रेजुएशन है, इसको हम लोग 1 mm करके ले सकते हैं। ये हमारा जीरो है हो जाएगा, ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm। तो इस तरह से जो ऊपर का ग्रेजुएशन है इसको हम लोग 1 mm करके ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमें नीचे का भी लेना होगा, अगर हमें यहाँ तक का देखना होगा ये हमारा कितना रीडिंग बता रहा, यानी जीरो से यहाँ तक का जो हमारा रीडिंग होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा 13 हो जाएगा, और ये 13 के बाद है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 और 0.5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ तक का रीडिंग लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तक हमारा 15 होगा, और 15 के बाद नीचे एक लाइन है, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 0.5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 15.5। उसी तरह से मान लीजिए हम लोग यहाँ तक का लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तक 5 mm हो जाएगा, और इसके बाद है ये कितना हो जाएगा, 5 + 0.5, तो ये हमारा 5.5 होगा। और हम लोग और एक तरीका है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ तक का रीडिंग लेना होगा, चाहे यहाँ तक का रीडिंग लेना होगा, तो जो टोटल डिवीजन होगा, जो टोटल मार्किंग होगा, मान लीजिए यहाँ तक का लेना होगा तो यहाँ से पहले का जो भी जितना भी डिवीजन है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, और जो 1 barrel डिवीजन का वैल्यू है, 1 barrel डिवीजन का वैल्यू दोस्तों है वो है 0.5, उसके साथ हम लोग टोटल डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से भी हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, और हम लोग ऊपर का जो रहेगा उसको 1 mm करके भी हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, और जस्ट उसके सामने जो रहेगा नीचे का डिवीजन उसको 0.5 मानेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को रीडिंग लेना है। तो सबसे पहले सपोज हम लोग इस रीडिंग को हम लोग लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये हमें मान लीजिए रीडिंग लेना है। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो रेंज होता है उसे देख लेना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 25, तो मिनिमम रेंज कितना है सबसे पहले वो हमें लेना पड़ता है। मिनिमम रेंज हमारा क्या है, मिनिमम रेंज हमारा 0 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थिम्बल से पहले बैरल का कितना डिवीजन है, थिम्बल से पहले बैरल का कितना डिवीजन है ये हमें देखना होगा। तो ऊपर में जो है ये मेन डिवीजन हम लोग कह सकते हैं 1 mm करके हैं, और नीचे आप देखेंगे 0.5 mm करके दिया गया है, यानी ये हमारा 0 है, ये हमारा 0.5 है, ये हमारा 1 है, फिर नीचे आ जाएगा 1.5। तो इस तरह से ग्रेजुएशन दिया गया है। तो हमें जो थिम्बल है, ये थिम्बल से पहले बैरल का कितना डिवीजन है ये हमें देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे 10, 11, 12, 13, तो 13 हम लोग कह सकते हैं मेन डिवीजन है, और अच्छा यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 30 हमारा क्या है, मेन डिवीजन। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 mm हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 13 के बाद एक सब डिवीजन दिख रहा है, तो 1 सब डिवीजन हम लोग लिखेंगे,
डिवीजन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.5 mm होगा। हमें पता है वन डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 0.5 mm होता है। और अगर आप 13 तक देखिए ऊपर नीचे दोनों लाइनों को लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 26 टोटल लाइन हो जाएगा, और ये इसको लेके 27 लाइन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटम लाइन है, ये हमारा डेटम लाइन है। अब देखेंगे डेटम लाइन के नीचे जो हमारा थिम्बल है, थिम्बल का कितना लाइन है, थिम्बल का कितना डिवीजन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 15, 16, 17, ठीक है, 17 लाइन थिम्बल का, 17 लाइन डेटम लाइन के नीचे है। तो हम लोग लिख सकते हैं 17 थिम्बल डिवीजन। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, 17 × 0.01 होगा। जितना थिम्बल का वन डिवीजन का वैल्यू कितना है, 0.01, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.17 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.67 ये हमारा रीडिंग आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम रेंज को लेना है, उसके बाद थिम्बल से पहले जितना भी लाइन है बैरल का उसे रीड कर लेना है, और उसके बाद डेटम लाइन के नीचे थिम्बल का कितना डिवीजन है उस डिवीजन को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद जितने भी वैल्यू आए हैं सबको ऐड कर देना है। तो इस तरह से माइक्रोमीटर से रीडिंग लिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।